ये नाजरीन आप खुद रास्ता देखें जरा, बिल्कुल ये दरख्तों के दरमियान से हम जा रहे हैं। आ नहीं रहा तो मैं ही जाली से अंदर घुसता हूँ जरा और जाता हूँ इस पत्थर के पीछे बैठ के वीडियो बनाता हूँ। कड़ाई लग गई पपाये की। ओ, यस, डन। हाँ, खिलाएंगे खिलाएंगे। हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज काफी दिन बाद आज व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो आज हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वाइल्ड लाइफ पार्क। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। सफर स्टार्ट हो गया हमारा, पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तकरीबन हम माल पे पहुँच गए और माल से 3-4 मिनट की वॉक है, 3-4 किलोमीटर की, सॉरी 3-4 किलोमीटर की वॉक है और तकरीबन हमें घंटा एक लग जाएगा। तो इंजॉय करते हैं सफर को, चलते हैं निकलते हैं। हाँ तो जनाब, ये मेरे साथ दोस्त है मेरे, जा रहे हैं जैसे हाशिम को तो आप जानते हैं, साथ साइम है। साइम हेलो कर दो यार। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको आज व्लॉग में? आज बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम चांस मिला है रिजवान भाई के व्लॉग में आने का। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, ग्रेट, सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर, गुड, थैंक यू जी। और कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ पार्क जा रहे हैं, तो वॉक करके जा रहे हैं। और तला भी आया है मेरा कजन। तला क्या हाल है? ठीक हो? तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सबको ये कह दें कि साथ साथ जुड़े रहे हमारे, क्यों देखते रहे वीडियो। बिल्कुल, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करें। हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर, मैंने भी आज ही सब्सक्राइब किया, आप भी करें। जी, हम लॉरेंस कॉलेज रोड से जा रहे हैं पैदल। तो ये कोसार यूनिवर्सिटी जो मनी में बनी है उसका एक कैंपस, ये भी पंजाब है उसको बनाया। तो इधर एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आई थिंक सो क्लास हो रही है, और एक दो और डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। ये साथ ही बिल्कुल पंजाब हाउस है, ये हम बोर्ड भी लगा, वो बोर्ड लगा हुआ है कोसार यूनिवर्सिटी का। होली देखे आप, मरी का मौसम कैसा है, खूबसूरत गर्ल्स कैंपस है और गर्ल्स ये कुछ बाहर भी खड़ी हैं। हाँ, ये गर्ल्स कर रही हैं, नो ऑफेंड। नहीं, गर्ल्स मतलब के भैंसे हैं। तो ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कोसार यूनिवर्सिटी का बोर्ड है जी, पंजाब हाउस के अंदर। और ये पंजाब हाउस के अंदर इसका कैंपस है। वो पुलिस वाले अंकल हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। ये जनाब, हम जा रहे हैं रास्ते में और ये चेयर लिफ्ट देखें, पिंडी पॉइंट वाली यहाँ से गुजरती है और ये नीचे जाएगी जी बांसरा गली तक। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जो है वो कवर कर रहे हैं। ये नीचे से यहीं से शॉर्टकट उतरा जाए या कहीं और से चले? यहाँ रास्ता नहीं सही, हम भी शॉर्टकट से उतरेंगे। ये चेयर लिफ्ट जा रही है अभी, खाली है बिल्कुल, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ इस पर। सीज़न आउट है इस वजह से ना अभी लोग। हाँ, सीज़न भी आउट है जी। एक शॉर्टकट मिला है, अब रोड से हम इस शॉर्टकट पे उतरे हैं, इधर से चलते हैं। तो रास्ता अल्लाह करे ये पहुंचाए हमें कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो निकले यहाँ से, है तो थोड़ा ख़राब कच्चा रास्ता है जंगल से, लेकिन चलो शॉर्टकट में ये है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आ करो चीते से मिले बगैर ही पहुँचे। अच्छा, अभी वाइल्ड लाइफ में हमें गए हुए तो तकरीबन 7-1 साल हो गए। साइम कहते हैं, साइम तुझे कितना अर्सा हो गया वाइल्ड लाइफ गए हुए? यार रिजवान भाई, जब हम मैं और आप साथ थे ना प्रेप में, प्रेप में 2003 की बात है। आदमी पब्लिक कॉलेज का ट्रिप गया था। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। आज देख लें आप कितना अर्सा हो गया, हालांकि घर के नजदीक भी है लेकिन कभी मौका नहीं मिला यार, इसका प्लान नहीं बना जाने का। अच्छा अच्छा, आज आपके साथ दोबारा जाने का। उस वक्त तो एपीएस वालों ने हमें बिरयानी और कोक भी पिलाई थी साथ, आज आप नहीं लेके आए बिरयानी और कोक साथ? बिरयानी और कोक नहीं, बजा के बनाएंगे। चलेंगे, रोड तो आ गया, बस इधर से आगे दूसरी साइड पे निकलते हैं। लेकिन पानी शानी आ रहा है और काफी लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो धोते हैं। हाँ, ये हाशिम भाई क्या कह रहे हैं, पानी का फायदा उठा रहे करते हैं कोई यहाँ पे साबन शाबन लगा के। ये पानी आ रहा है जी। कौन शॉर्टकट मिला है साइम साहब, ये पहुंचा देगा हमें? ये शॉर्टकट हमें बहुत जल्दी तो पहुंचा देगा, मगर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हमें इस भी पहुंचा दे। चलें। हाँ जी हाशिम भाई, पहुंचाएगा ये शॉर्टकट?
किसने ये रिकमेंड किया वैसे, पहले ये बता दें। यहाँ पर सबसे ग्रेव आजिम भाई है जो रिकमेंड करते हैं। चलें ये जंगल देख लें नाजरीन, बस उतरते हैं हम भी यहाँ से और देखते हैं क्या सीन्स होते हैं। पानी तक तो हम पहुँच गए हैं, रास्ते में थोड़ा पानी आया तो तला कह रहा है कि बियर ग्रिल्स को तला भी फॉलो करता है, कहते हैं हम पानी के साथ साथ चलते हैं। तो कोट है कि जी यू हैव टू फॉलो वाटर, बियर ग्रिल्स का कोट है जी यू हैव टू फॉलो वाटर, तो हम भी पानी को ना फॉलो करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यू विल रीच सम डेस्टिनेशन, तो हम भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पानी के पीछे पीछे जाते हैं फिर। मोबाइल का ख्याल रखना वरना व्लॉग कैसे बनाएंगे। हाँ मोबाइल का तो ख्याल रखना, मोबाइल का ख्याल रखेंगे तो व्लॉग कैसे, बिल्कुल ऐसे आपकी टांग टांग टूट जाए कोई प्रॉब्लम। मोबाइल की खास सेफ्टी रखेंगे जी हम, ये पानी आ गया जी, इस पानी के साथ साथ जाएंगे। खैर जी फुल हम तो घने जंगल में आ गए और इस जंगल में लेपर्ड्स वगैरह हैं और रास्ता बड़ा कठिन है, ये देखें। जल्दी पहुंचना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा जी। चलें मैं भी इनको ही फॉलो कर रहा हूँ, पीछे पीछे ही हूँ। ये क्या सीन्स हैं भाई, आगे रास्ता है भाई, गाड़ियों की आवाज तो आ रही है, इसका मतलब है कि हम क्लोज है अपने डेस्टिनेशन के। चलें जी ये तो बहुत अच्छी बात है फिर भाई, हमें शेर की जो गार है सीधा उसके आगे सीधा निकाल देना जाके, रास्ता दिए आपको मुझे नहीं लगता समझ आ रही है। रास्ता बहुत मुश्किल है जी नाजरीन, बिल्कुल ही कठिन रास्ता है और अब इतनी मुश्किल से हम जा रहे हैं और आप वीडियो देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तो बहुत गलत बात है। तो सबसे पहले जो नीचे बेल आइकन है ना, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई जितनी वीडियोस आती हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। देखें जी रास्ता और घना जंगल और ये पानी भी खड़ा हुआ है, यहाँ से जंगली हयात आगे पानी तो पीते ही होंगे। ये देखें कैसा घना जंगल है, इधर ऊपर से हम उतर आए हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं आगे। वाइल्ड लाइफ पार्क जाते जाते खुद ही वाइल्ड एनिमल्स यहाँ जंगल में ना मिल जाएं। भाइयों कोई नज़र नहीं आ रहा, किधर गए हो सारे, तला खड़ा हुआ है, मुझे साथ ले के जाना। चलो ये रोड के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे नाजरीन, इतने में तो हम ऐसे रोड से जाते तो पहुँच जाते, ये शॉर्टकट महंगा पड़ गया। साइम की आवाज़ आई है पहुँच गए, चलें देखते हैं चल के नीचे। ये रोड मिल ही गया है जी हमें, आंखें बंद करके तो आए हैं आपने, सीधा ये जन्नत अल फिरदौस का ही टिकट कटवाया था। मरी के लोकल है उन्हें पता है कि जो एरिया बहुत डेंजरस है, यहाँ पर चीते जो है जिनको आप पैंथर बोलते हैं, लेपर्ड्स हो गए। चीते का रूट है ना उससे मैं आपको तकरीबन 500-600 फुट जो है ना दो से लेके आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, जंगली मुर्गा होता है हाँ हाँ, और उसका शिकार भी बहुत होता है जंगली, हाँ जंगली मुर्गा जो है ना वो भी यहाँ पे है इस जंगल में। नाजरीन ये अगले मोड़ के बाद ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, वाइल्ड लाइफ पार्क है और शॉर्टकट ने हमारे तकरीबन 25 से 30 मिनट बचा लिए हमारे, तो हम ये पहुँच गए हैं आखिरकार। ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली थ्योरी को इस्तेमाल किया रशीद आलम साहब ने जो पढ़ाया है, चलो कहीं ना कहीं काम आया। चलें ये वाइल्ड लाइफ पार्क की एंट्रेंस है, चलें इसके अंदर जाके अब देखते हैं क्या क्या कौन कौन से जानवर हयात हैं यहाँ पे। अब ये भी देखते हैं कि कितनी केयर की जा रही है इनकी, क्यों साइम साहब जी जी देखते हैं जाके, टाइमिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे। टाइमिंग हाँ टाइमिंग भी लिखी हुई है आप, कितनी 4 बजे 6 हाँ 8 से 6 ठीक है। यार अपनी टिकट्स ले ली हैं जी वाइल्ड लाइफ पार्क के, बड़ा सस्ता है, 10 रुपये का टिकट है, मज़े भी 10 रुपये वाले ही ना हो अंदर। ये क्या है इन्होंने मैप बनाया है, बताएंगे ना क्या क्या है, चिल्ड्रन अच्छा, एरिया है, फाउल है, चिल्ड्रन एरिया है, अच्छा अच्छा पार्किंग है, उसके बाद आपका ट्रैक गाड़ी पार्क कर दिया हमने गाड़ी में आने का मजा ही नहीं, गाड़ी में आए नहीं, असल मजा यही है कि नेचर का, असल मजा ही पैदल आने का। चलें इधर से उतरना है आशिम भाई, इधर से उतरना है, कुछ भी नहीं है हाँ यहाँ पर शॉर्टकट जाते हैं। चलो शॉर्टकट हम आखिरकार पहुंच गए हैं जी वाइल्ड लाइफ पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क आए हैं तो जानवर भी यकीनन हमें यहाँ पे अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। मरी जो भी है यार यहाँ ज़रूर विजिट करें, वाइल्ड लाइफ पार्क जो है मरी का एक अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, जिसके पास भी टाइम है ज़रूर आए। क्या कहते हो भाई, जब कॉलेज बने वो तो बंक ही मारे ना, हम लोग कौन सा जो है अब पढ़ते हैं, तो कैसा लग रहा है आपके यहाँ पे आगे?
बट हमने एंजॉय किया। वैसे अगर हम स्ट्रेट रास्ते से आते हैं हमें टाइम भी ज्यादा लगता, जंगल के बीच में से हैं तो एक एडवेंचर भी हो गया, और दूसरा जो है ये एक तरह से रिस्क भी होता है, लेकिन ये है कि आपको नेचर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। आगे चलते हैं, जानवर देखते हैं। जब भी आप ऐसी चल चल के रिजवान भाई को जैन उनके पसीने छूट गए, पसीने बहुत ज्यादा आए, जैकेट भी उतार दिया मैंने। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पे। जंगल से हैं तो रिजवान भाई को साथ लेके हैं, जंगल से आए हमने तगड़ा बंदा साथ। नजरीन, ये साथ से याक का रास्ता उतर है, यहाँ पे याक है, नीचे शेर घर है, याक है। हाँ, और यहाँ चिल्ड्रन पार्क है, और बाहर जाने का रास्ता तो अभी हमने जाना नहीं है। और करंटली हम जो है इस मकाम पे खड़े हैं, ये अभी हम इस जगह पे हैं। अच्छा, हमारे पास काफी ऑप्शन है कि हमें कहाँ पर जाना। सबसे पहले याक देखते हैं, साइम क्या कहता है। वो से हमें थोड़ा आगे से उतर के वहाँ पर जाना है। चलो उधर से उतर जाते हैं। ये जो मिट गई है वो चीजें खत्म हो गई हैं कैंटीन पे, उन्होंने ब्लू कलर का जो है वो किया। हाँ, अब हमने कुछ खाना था, और काला हिरन भी खत्म हो चुका है, और चेक पोस्ट भी खत्म। काला हिरन जो कोरोना में जो है जो प्रॉब्लम हुई थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी, सलमान खान ने नहीं मारे काले हिरन, कोरोना में फूड शॉर्टेज हो गई थी, जू वालों ने ही उनको मार के वही कुक करते ने हफ्ता गुजारा किया, इसीलिए वो प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। आ जाओ जी, इधर से आओ। ये जो भी आए जी, यहाँ पे बेंच तो नहीं लगे, चटाई अपनी लेके आना सर। और यहाँ पे बैठ के आप बारबेक्यू करें और इंजॉय करें जी। हम पहुँच गए हैं, ये याक का बोर्ड लगा हुआ है, इसको आपने प्रोनाउंस बिल्कुल सही तरीके से करना है, स्पेलिंग सही पढ़ के। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो काफी तब्दीली हो जाएगी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई है यहाँ पे याक? एक ही है, बता देता हूँ, एक ही है, तादाद एक। यार ये क्या बात है, वो किधर है एक? ये देखें जी, पिग का बच्चा बेचारा यहाँ मरा हुआ है, और इसमें मक्खियों ने हमला किया हुआ है इस पे, और क्या कहते हैं, यहाँ से वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए जी, गवर्नमेंट का इदारा है ये, इन्हें चाहिए ये उठाएं, और यहाँ पे मतलब कोई खर्चा नहीं इन्होंने किया हुआ। हाँ, इतनी भारी फीस, पूरा चारों ने मिल के हमने कितने 40 मिलियन $40 दिए हमने। वो याक खड़ा हुआ भाई, इसको बुलाते हैं अंदर, कोशिश करते हैं। ये बाहर नहीं रहा तो मैं ही जाली से अंदर घुसता हूँ जरा, और जाता हूँ इस पत्थर के पीछे बैठ के वीडियो बनाता हूँ। अंदर आ गया हूँ मैं जी, चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर से, साथ ही ना चलते हैं इस पत्थर के पास, चलता हूँ उधर फिर बैठ के ना बनाता हूँ वीडियो। पत्थर के पीछे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह करे इधर आए ना इस साइड पे, ये हिल रहा तो है। हेलो याक भाई, हेलो, सुन रहा है लेकिन इग्नोर ही कर रहा है। इतना दूर से आए हैं यहाँ पे, और हमारा वैसे माउंटेनियस एरिया और इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जानवरों के कोई हालात नहीं है। एक बेचारा सिंगल यहाँ पे याक है, और कोई याक नहीं है इसके साथ, और वो भी जानवरों के बुरे हालात हैं, पता नहीं खाना मिलता भी है नहीं या नहीं, ये देख तो रहा है मेरी तरफ। नाजरीन, हम आए तो हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पता है जंगली जानवर कैसे जंगल में रहते हैं खुले, और मतलब खुराक भी उनकी ठीक होती है, एक एक शेर और या मतलब ये याक ही देख लें आप कितना खाते हैं, तो यहाँ पे जो इनकी खुराक है। क्यों साइंस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि हमारे मुल्क के जो हालात, जो आवाम के साथ जो लोग कह रहे हैं, वहीं पे आप समझ दें कि जानवरों के, हम मरी में मौजूद हैं, कैंट के ही एरिया के नज़दीक है ये, लेकिन आप यहाँ पर हालत देख लें कि कोई इनकी केयर करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है जो कि इस चीज़ को जो है ना इस पे नोटिस लेके क्या जो है ना यहाँ पर जानवरों की केयर नहीं की जा रही, तो बड़ा जो है ना ये दुख डिसअपॉइंटमेंट, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये। बिल्कुल हाशिम भाई, मुझे लगता है ये जो हम बचपन में आते थे ना शेर, वही है ये वही वाला बेचारा होगा, वही बेचारा बच्चा होगा कहीं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, देखते हैं जी निकलता है तो। ये जी शेर वो कहते हैं नीचे कोई जंगल में है, इधर केज के अंदर ही है कहीं, अब नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं। वो सामने भी एक केज बना हुआ है, ढूंढते हैं। या तो आप शेर को ढूंढोगे या शेर आपको ढूंढेगा? हमें शेर ही ढूंढते जब से करियर स्टार्ट हुआ, शेर ही ढूंढ रहे हैं। शेर आपको पता है बकरियों के पीछे होते हैं। आखिरकार शेरू भाई मिल गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही स्मेल छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें 2 महीने हो गए, इन्हें लाया नहीं है इन्होंने। वीडियो बनाना पैसे पूरे हो गए। वंस मोर सूर्य के ऊपर हाथ डालते हैं तो
ये सही है। छाया लड़के व्यूअर्स, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ भी है, साइबेरियन टाइगर्स जो हैं आपके कोरिया और चीन के रशिया इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और इसकी जो हाइट है 270 to 330 सेंटीमीटर तक है, वेट इसका 300 किलो है जी। हेलो जिमी, तला कोशिश कर रहा है, तला का वजन भी कम है ना, यहाँ से हो सकता है, वहाँ से मुश्किल है। नहीं तला ले गया नंबर, नहीं उस साइड से नहीं हो सकता ना, वहाँ से ऊपर हो जाता है। वन बाय वन छोड़ दो और अगला पकड़ते। गुड तला, साइम की बारी है। ये नहीं होगा, वजन तो डाल, हाँ डाल दे, झूला ले, नहीं झूल जा, हाँ नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रिप सही नहीं है, गलत हो गया, तो ग्रिप सही नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। पकड़ाई लग गई पपाये की। ओ यस डन, हाँ खिलाएंगे खिलाएंगे, जो खाओगे कौन कौन खाएगा, सब खाएंगे, एक दो तीन चार, हाँ खिलाएंगे, जा डन हो गया। कौन सी तुम पकड़ाई, कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं ले गया नंबर यार, गुड आशिम भाई। नहीं नहीं नहीं, पाँव लग गया नीचे आशिम भाई, नहीं लगा, वो वीडियो में पता चल जाएगा। ये और ये रिजवान को दुम्बा कढ़ाई होगी, अब अगले व्लॉग में दुम्बा कढ़ाई की भी वीडियो आ रही है। दुम्बा कढ़ाई लेकिन किसी अच्छी जगह से खाएंगे, पपाये से खाएंगे, मैं पहले कहा था नहीं। ये तो 12 सिंग है, दूसरी 1 2 3 4 5 नौ है, तो बड़े भी तो सींग गिनना, 9 सिंग आए जिनके ऊपर सींग दूसरे लगे हैं वो भी तो गिनो ना, इनके सींग बड़े काम की चीज है जी। यहाँ पे मोर भी हैं, तो मोर आपको दिखाते हैं, बस थोड़े से जानवर रखे हुए, इन्हें लोकल सा एरिया है, लोकल सा पार्क बना हुआ, ये देखें जी खूबसूरत। परशर खोलें तब भी मज़ा आएगा, खोल और परशर दे दा, पर तो हैं ही इनके पीछे से, वो पीछे ताज बनाते हैं अपना, ये दो बैठे हुए हैं इधर, ये वही मोर है जिनकी नानी के मोरे जिन्हें चोर ले गए थे, हाँ ये चोर ला के उन्होंने इधर छोड़ दिया, वाइल्ड लाइफ पार्क वालों को बेचा है जनाब। हम वापस मोड़ आए हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क से निकल आए हैं, तो हम किस सवारी की तलाश में हैं और वापस जाने के लिए, और अब जाके खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा इनके खाने के लिए, ना कैफेटेरिया बना है जी। नाजरीन, तो कुछ वॉक करने के बाद और कुछ हसीन और जमील जानवर देखने के बाद हम वापस पहुँचाए हैं माल पे, तो माल पे अब सबको भूख लगी हुई थी, इतनी हाइकिंग की थी सब ने, तो खाना खाने लगे हैं, खाना खा के फिर एंड करेंगे ब्लॉग। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट अमर भाई हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वॉक की है, आपको इनकी लुक से पता चल रहा है कि ये काफ़ी परेशान लग रहा है, भूख लगी हुई है इन्हें। आप सुनाएं आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, ये भाई जो है ना, ये देखें भूख से इनका क्या हाल है, 10 किलो इनका बहुत ही कम हो चुका है, तो हम इसी इन्हीं भाई की वजह से जो है ना, हमने सही अभी ऑर्डर किया हुआ, इंतजार कर रहे हैं ताकि जाने रिस्टोर हो इनकी एनर्जी। चलें ठीक हो गया, अब खाना शाना खाते हैं। हाशिम भाई कैसा लग रहा है आपको, आज आप होस्ट हैं, आपको कैसा लग रहा है? होस्ट आप हैं सर, आप मेरा ख्याल आप बिजनी बन गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको।